नमस्कार, मैं हूं आयुष चौधरी, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। शासन ने एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि देहरादून की जितनी भी सड़कें हैं, पहले तो ये सड़कें दिखाओ आप, ये सड़कें दिखाओ, ये जितनी भी सड़कें हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएं। गड्ढा मुझे तो भाई सड़क तो यहाँ सड़क तो दिख नहीं रही है कहीं, टूटी पड़ी सारी, टूटी पड़ी सड़क तो यहाँ पे, ये गड्ढे भी नहीं दिख रहे, गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पे सारी सड़क, पानी की समस्या हो रही है आज के। अच्छा। लोग परेशान है, परसों औरत जाम लगा के बैठ गया, जाम लगा के बैठ गई, क्या हुआ था बताएंगे? घर घर पानी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये जो जाम लगा के बैठी थी ये बताएंगे? पानी नहीं आ रहा, जब तो पानी नहीं आ रहा। क्या कह रहे भैया? लोग सड़कों पे गिरते हैं जब यहाँ जाम लगता है। ये अभी मुझे बताया गया था कि 15 साल से ये रोड नहीं बनी है, यही है ना? बनी 15 साल से भाई साहब, 15 साल से रोड, ये आप वहां तक देख लीजिए, आप अब आप बताइए 15 साल से ये सड़क नहीं बनी है, 15 साल से रोड नहीं बनी है, ये हालात हैं। कभी कभी ये जेसीबी वाले खोद देते हैं, कभी वाटर वाले खोद रहे, ये सब खड्डे उड्डे एक बार गिर गए थे। आप लोगों ने शिकायत नहीं करी है? शिकायत करते कोई सुनता ही नहीं, आगे देख के चले जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है हो जाएगा, एक हफ्ते का टाइम देते हैं, कोई आते ही नहीं। क्या मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी बद से बदतर हालत देखी है सड़कों की, आज से पहले मैंने कभी ऐसी हालत नहीं देखी। अब तो शासन ने आदेश, मेरी आँख खुले हुए 50 साल हो गए हैं। अच्छा। 2-4 सालों से देख रहा हूँ मैं ऐसी हालत, उससे पहले मैंने कभी देखी नहीं। हर डेढ़ दो साल में रोड बन जाया करती थी। और एक बात और है, ये जो पानी की योजनाएं निकाली है, इससे पता कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, हर घर में पानी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, केंद्र सरकार का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और पानी सही, ठेकेदार लोग जो है ना काम सही नहीं कर पा रहे। रोड तो बहुत दूर की बात है बनने की, आप देखो जहाँ जहाँ खोद रहे हैं वहाँ पे प्लेन भी नहीं कर रहे हैं वो, ताकि आदमी को मतलब चलने की सुविधा मिल जाए। अच्छा। आप इस रोड पे चल कर देखो कितनी बड़ी दिक्कत आपको खुद आएगी। अच्छा, ये भैया ये बोला गया है कि एक हफ्ते में जितनी भी देहरादून की सड़कें गड्ढा मुक्त करी जाएंगी, यहाँ तो गड्ढा क्या कहीं सड़क नहीं दिख रही है। सड़क है ही कहाँ यहाँ पे, यहाँ तो रोज खोद देते तो कहाँ से होगा यहाँ से। क्यों खोदते हैं? पता नहीं क्या मिल रहा है सड़क में, ऐसा खजाना खजाना वजाना तो नहीं है कहीं छुपा हुआ? रखा होगा कुछ होगा तभी खोदते हैं। अच्छा, ये ताऊ बैठे हमारे साथ, इधर आ जाए। ताऊ कैसे हैं आप? ठीक है भैया। सही चल रही है तबीयत? ठीक है। तो आपको कितनी उम्र हो गई यहाँ पर रहते हुए? हमारे से बचपन है ऐसे गुजर गया, पैदाइश यहीं की है हमारे तो। पैदाइश यहाँ की है, बचपन गुजर गया, ये हाल कैसे हैं? तब से यही थे? अरे ये अभी हुए 5-4 साल से, 3 साल से तो जो खुदाइयाँ चल रही यहाँ पे, 3 साल हो गए, कभी कुछ खोद रहे कभी कुछ खोद रहे, खड़े खड़े। क्या कह रहे भैया? जब से बीजेपी का हाल है तो बुरा हाल है आज के। तो बीजेपी तो कह रही है हम कार्य कर रहे हैं 60 पार, कहाँ कर दिख रहा आपको? करा आपको कार्य दिख रहा है यहाँ? ये कार्य नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसी तो से सरकार को पैसा मिलता है, उनकी झोली भरती है इसमें। आपके क्षेत्र के विधायक क्या कर रहे हैं? सर वो तो सीधा गंगा नहाने गया होगा, और करने क्या गया होगा? आप वोट मांगने आएंगे, जवाब क्या होगा? वोट गया लट्ठी मिलेगी आपकी बार, फिर कौन होगा? कोई और लग रहा नजरों में जो आपका ये सुधार कर पाए? सर वैसे तो देखो अगर तुलना की जाए 70 साल और 7 साल में तो सिर्फ कांग्रेस ही थी केवल। अच्छा। जी लेकिन मेरा किसी पार्टी को कोई वोट नहीं है इस बार। अच्छा। जी चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, और बता दूँ आपको, सन 1975 यानी कि मैं जब से मैं मेरी 1975 की पैदाइश है, उसके बाद भी मैंने कम से कम 10 साल ये रोड जो है कच्ची देखी थी केवल, तब भी अच्छी रोड थी, पक्की रोड से अच्छी लगती थी ये। ये हाल हम देख रहे हैं, मंडी से हम शुरू हुए हैं, हमने इसका हाल देखा है, गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। नंबर एक का भ्रष्टाचार होता है, ये रोड खोते, ये अमृत योजना फेल है ये केवल, ये फ्री योजना कर रखी है, इसके बाद पैसा भी लगेगा इसमें, देख लेना आप। अब तो बोला है शासन ने, ये बोला एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है देहरादून की हर सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए। आप जरा अभी यहाँ जाने के बाद आप उधर लक्की बाग जाना, आप उधर देखना, कम से कम 3-4 गाड़ी फंसी भी होगी, इतने इतने टायर धसे होंगे उनके इस अमृत योजना के चक्कर में। जहाँ भी पाइपलाइन लगती है वहीं लीकेज होती है केवल, ये वहीं लीकेज हो जाती है। अरे सबके पास अपने समर्सिबल है, सबके पास अपने जेट पंप लगा रखे हैं, किस बात का अमृत योजना चलाई है? अमृत योजना हो गई, आप मुझे एक बात बताइए, आपके जो क्षेत्र के विधायक है, आप अब सुनिए, जो क्षेत्र के विधायक है शिकायत करी आपने? सर एक बात बताए, घूमते हैं रोड पे आए दिन, घूमते हैं इसी रोड पे आ जाते हैं यहाँ पर, उनकी हिम्मत पड़ जाए, आपका दर्द नहीं दूर कर रहे हैं तो उनकी हिम्मत पड़ जाएगी वोट मांगने की? मांगेंगे नहीं अब की बार तो, वो जीतेंगे कैसे? वो शर्म किस मुंह से मांगेंगे वोट? ये तो देखो ना रोड का क्या हाल है, 10 साल हो गए इस रोड पे चलते चलते, पब्लिक का बुरा हाल हो गया,
उनको ये शर्म नहीं आ रही कि रोड का कितना बुरा हाल है, बस खोदने पे लगे हुए, आज यहाँ से खोद दो आज वहाँ से खोद दो, ये हाल है। ये खोद क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है इस सड़क में? अभी तो रोड के ऊपर धूल है, आप जरा बरसात में आना, ये इतना पानी चलता है और घर के अंदर पानी घुसता है ये सारा। ये दुकान किसकी है? आप इधर आइए एक मिनट, इधर आइए, ये दुकान आपकी है? धूल मिट्टी सब कुछ जा रही है। आओ ना दिखाऊं मैं आपको। क्या दुकान पे धूल मिट्टी? आओ आओ जरा, मैं कैमरामैन से कहूंगा आप साथ आइए जरा। ये आप पहले हाल देखिए, ये देखिए, ये दुकान के अंदर इधर, ये देखिए शीशे के ऊपर देखो, ये शीशे के ऊपर दिखाइएगा जरा, ये दिखाइए हाल दिखाइए यहाँ का। पर अब तो उम्मीद होनी चाहिए, खुश होना चाहिए, सरकार ने शासन ने बोला एक हफ्ते में जितनी भी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे। नहीं बनती, बनती है नहीं, क्या लग रहा है? बननी चाहिए, बननी चाहिए। ये जो कब से हाल है इसका? काफी मेरे हिसाब से तो 12-14 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यही हाल है। 15 साल से यही हाल है। दुकान तो आपकी है, कितनी परेशानी होती है? क्या बताए भैया, बस क्वालिटी कुछ नहीं है किसी भी चीज़ का। विधायक से जितना मर्जी बात कर लो कि भैया रोड बना लो, गड्ढों में कोई कल परसों इतनी तेज गिरा है बंदा, कोई जान ले नहीं, किसी सरकार को नहीं पड़ी है। अच्छा, बंदे गिर रहे हैं, चोट लग रही है, दुकान में धूल जम रही है, 15 साल से यही हाल है, बच्चियों के पैर फंस रहे हैं, इनका दुख इनका दर्द 15 साल से कोई सुन नहीं रहा है। शासन तो कह रहा है कि एक हफ्ते के अंदर हर सड़क को गड्ढा मुक्त करेंगे, अब देखना यही होगा कि एक कितने में, अगर एक महीने में भी सही कर दे इसको हम, चलिए एक हफ्ता नहीं शासन एक महीना ले ले, लेकिन इनका जो दर्द है दुख है परेशानी है जो सड़क है उसको दूर करे सही करे। कैमरामैन विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।